कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। भास्कर आई केयर सेंटर, हॉस्पिटल चौक, विराटनगर। संपर्क करें 9801325172 और 00977982072596 पर। 2020 विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की उम्मीदवारी बिहार भर में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी हमने उम्मीदवारी दी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी थी और दोनों पार्टियों से उम्मीदवारी का नतीजा हुआ कि जो बेस वोट नीतीश कुमार जी का था, जिस बेस वोट को ही उसी बेस वोट में हिस्सा उसी बेस वोट में हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश में थे, जो नीतीश कुमार के समर्थक लोग थे उसी समर्थक में हमारा भी बंटवारा था। हम जनता से उम्मीद कर रहे थे, हम बिहार भर में घूम रहे थे इसी बात के लिए कि हमको आधा अधूरा मत दीजिए, हमको मुकम्मल दीजिए, पूरा का पूरा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने भी कंजूसी कर दी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों विलय कर दिया, तो जरा आप लोग भी सोचिएगा, आप लोगों ने भी थोड़ी कंजूसी की। अगर मुकम्मल उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने विलय की परिस्थिति नहीं बनती। तो मुकम्मल नहीं दिया, बंटवारा हो गया और उस बंटवारा का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए, नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए और इन दोनों के बीच के बंटवारा का परिणाम इस रूप में भी दिखने लगा कि जिस लालटेन को आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने कभी लगभग बुझा दिया था, लालटेन वाले फिर से कुर्ता पजामा टाइट करके अब आने लगे कि चलो अब दोनों लड़ रहा है और फिर से लालटेन जला देंगे। तब मुझको लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में ठीक है, चाहे जितनी कुर्बानी देने की जरूरत हो, जितना कष्ट सहना वो सह लेंगे, लेकिन लालटेन वाले फिर से लालटेन जलाने लगे यह हमको स्वीकार नहीं है। हम और हमारे साथियों ने महसूस किया कि हम दोनों, नीतीश कुमार और हमारी पार्टी अलग अलग आगे भी रह जाएगी तो लालटेन फिर से जल उठेगा। मुझको लगा कि यह गलत हो जाएगा और नीतीश जी भी कमजोर पड़े, तो जब जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं तब तब उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने याद किया है। तो याद किया उन्होंने, मुझको भी लगा कि एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से ना जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था? तो उस समय यही कारण था, लोग कहते हैं क्यों विलय कर दिया। अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय कर हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। और जब परिस्थिति आई तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, हम तो अपना सर्वस्व, जो भी राजनीति की हमारी कमाई थी, सबको हम सर्वस्व लुटाकर आपके साथ आए थे, हम आपका जिंदाबाद करने आए थे, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अब आप कहिएगा
कि लालटेन छाप जिंदाबाद करो। उपेंद्र कुशवाहा यह काम तो इस जीवन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए हमने फिर फैसला लिया कि जो लोग भी गुस्सा में होंगे अपने लोग बिहार में, हम उनको मना लेंगे, लेकिन यह पाप उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा कि लालटेन को नीतीश कुमार कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद और उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे करे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह काम हम नहीं करेंगे, यह पाप नहीं कर सकते। तो हम आपसे आग्रह करने आए, मन में कोई भी गुस्सा हो मेरे प्रति मेरे पुराने निर्णयों के कारण, तो उस मजबूरी को समझिएगा और कृपा करके माफ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती भी मुझसे लगता हो आपको कि हमने की होगी, तो इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते। जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों का, मुझको लगता है कि आप सब लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन एक आध आदमी भी अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम भरोसा कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने चाहे पहले जो गलती इस तरह की हो, अब इस जीवन में आगे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है, मजबूती से चाहे जिस परिस्थिति में चलना हो अंतिम सांस तक अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के झंडा के साथ उपेंद्र कुशवाहा चलेगा। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहते। तो भाई और मित्रों, तो हमारे सामने जब जब समय आया कि किस बात का चुनाव करें, तो हमने चुनाव किया संघर्ष का। और फिर से हम आपसे कहने आए कि संघर्ष के रास्ते पे आने का फैसला हम और हमारे साथियों का अपना फैसला है। हम चाहते तो आराम से रहते, लेकिन नहीं, हमने फैसला किया। लेकिन फैसला किया है तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, यह समझकर सोचकर फैसला किया है, सोचकर फैसला किया है। साईं हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।